हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वो बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने और इस बुक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 6 की। अब होता क्या है ना, बात होती है अक्टूबर की शुरुआत की। जो रेनी सीज़न होता है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला होता है, बरसातें ख़त्म, और जो जोंकी होती है ना वो भी अब जा चुकी होती हैं, और जो मौसम होता है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया होता है। हल्की हल्की धूप निकलती है, जो सारे पेड़ पौधे हैं ना वो भी अब और ज़्यादा अच्छे होने लगते हैं, और तो और जो छोटे छोटे ट्री होते हैं ना वो भी जमने लगते हैं भाई, उनको खूब सारा पानी मिल गया। अब बिन्या के घर के सामने भी ना पेड़ वेड़ अच्छे से उग रहे होते हैं, और जो बिज्जू होता है ना उसके हंसी खुशी के दिन आ गए होते हैं क्योंकि वो वापस स्कूल जाने लगता है, और वही सब खाना पीना यही सब उनका चल ही रहता है। और जो बिन्या का छाता होता है ना, पहले तो उसका छाता लाइट ब्लू हुआ था, अब वो हल्का हल्का ना उसका और रंग ढल गया था, और तो और कई जगह से ना वो हल्का हल्का वो फट भी गया था, लेकिन अभी भी उसका छाता पूरे गाँव में सबसे अच्छा था और वो हमेशा उसको लेके घूमा करती थी। अब जो ठंडों का सीज़न था ना वो ज़्यादा दूर नहीं था, ऑलमोस्ट अक्टूबर आ चुकी थी, ठंडे भी आने वाली थी, और तो और जो अक्टूबर का महीना था ना वो सबसे लंबा महीना था, और जो पूरे पेड़ वेड़ थे ना वो भी अपने मतलब खूब अच्छे खासे फल फूल रहे थे, और जो अक्टूबर थी ना वो काफ़ी लंबा था, हर कोई गिन रहा था कि अक्टूबर है कैसा, सिवाय एक जने के, वो था राजा राम। और जो बूढ़ा राजा राम था ना, अब वो इतना ज़्यादा मतलब हार चुका था, उसको पता था कि उसको बिन्या का छाता कभी नहीं मिलने वाला, और ना हमेशा वो क्या करता था, वो अपनी आंखें ना उसके छाते से हटा लिया करता था, क्योंकि ना उस छाते की वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ वो एक तरीके से, क्योंकि उसके मन में ना बहुत ज़्यादा लालच आ गया, जिसकी वजह से ना अब वो बिल्कुल ही अकेला हो गया, क्योंकि उस छाते की वजह से ना जब लोगों को पता चला कि इसने राजा राम को भेजा था बिन्या का छाता चुराने के लिए, तो लोगों ने ना उससे बात करना बंद कर दी, उसकी दुकान पर भी जाना बंद कर दिया, और तो जो जितने भी गांव वाले थे ना उससे बात ही करना बंद कर दिया, सब उसके खिलाफ हो गए। और बेचारा जो बूढ़ा राजा राम भरोसे था ना, वो ऐसा जैसे देख रहे हैं अकेले बैठा रहता था दुकान पे, और तो और वो ना उसको कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, और लोग उसकी दुकान से ना कुछ नहीं खरीदते थे, ना खाते पीते थे, चाय पानी कुछ भी उनको चाहिए होता था ना वो थोड़ा दूर चल के ना जो टिहरी का बस स्टॉप था वो लोग वहाँ से जाके सामान ले लिया करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था ना ये तो एक ऐसा पागल आदमी है जिसने छाता एक बच्ची से छाता चुराने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच दिया। और तो जो छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, जब भी वो उसकी दुकान के सामने से ज़्यादा जाया करते थे वो उसको ना बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारा करते थे कि राम भरोसे, भरोसे वाला काम, ये तो राम भरोसे नहीं, ये तो चोर वाला भरोसा है, ये तो चोरी करता है। अब जो बूढ़ा आदमी था ना वो दिन भर अपनी दुकान पर अकेले बैठा रहता था, उसको यही लगता था कि क्या होगा मेरे साथ, मतलब उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी ना बिल्कुल ख़राब, उसके चाय का प्लेट ऐसे ही रखा रहता था, कोई आता ही नहीं था क्या किसी को खिलाएगा। अब जो राम भरोसे था ना उसकी भूख प्यास सब कुछ मिट चुकी थी, हल्के हल्के ना उसने खाना भी कम कर दिया था, और तो जब उसने खाना पीना कम करा कोई आ भी नहीं रहा, तो उसकी जो दुकान पर पैसा आता था अब वो भी आना बंद हो गया, और वो क्या करता था, जो उसने पैसे बचा रखे थे अपने बैंक अकाउंट में टिहरी में वो उन्हीं पर डिपेंड था, और हल्के हल्के ना उसकी जो सेविंग्स थी वो भी कम होने लगी। अब उसको ये लगता था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसी वजह से उसने क्या करा था ना, जो राजा राम था उसको भी दुकान से निकाल दिया था, अब वो सिर्फ अकेला ही अपनी दुकान पे रहता था दिन भर। अब जो राम भरोसे की दुकान की छत थी ना उससे भी पानी आता था, धूप आती थी, लेकिन उसको उस चीज़ से ही फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको बिल्कुल ऐसा लगता था कि क्या करूं मैं। अब बिज्जू और बिन्या ना कभी भी जब राम भरोसे की दुकान के सामने से निकला करते थे हर दिन, जो बिज्जू था ना वो बहुत ज़ोर के सीटी बजाया करता था, और वो इतनी ज़ोर की सीटी बजाता था जैसे पूरी दुनिया की सीटी वही बजा रहा हो, लेकिन जो बिन्या थी ना वो क्या करती थी, वो ना अपनी नज़रें राम भरोसे की दुकान से हटा के ना दूसरी जगह चुरा लिया करती थी, क्योंकि उसको ये लगता था ना बिन्या को कि ये जो भी राम भरोसे के साथ हुआ है, जिस भी सिचुएशन में आज राम भरोसे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। अब ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष दिया करती थी, अपने छाते को दोष दिया करती थी जो वो हमेशा लेके घूमा करती थी, लेकिन उसको ये लगता है ना कि मतलब लोग मुझसे जलते थे तो मैं इसमें क्या कर सकती थी। अब उसको ये लगता है ना कि मैंने इस छाते से इतना प्यार ही क्यों किया, और मैंने इंसानों से ज़्यादा छाते से प्यार किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और उसको लगता था ना जो भी राम भरोसे के साथ हो रहा है उस सब की जिम्मेदार भी ना मैं ही हूँ। अब वो क्या करते थे ना, वो छाते से जब भी जाती थी तो उसको बड़ा दुख होता था कि यार ये क्या कर दिया मैंने, और लेकिन ना लोगों को पता था कि ये कहीं ना कहीं इसका खुद की लालच था, इसका खुद का था, तभी ये ऐसा सब कुछ हुआ है। जो बिन्या थी ना वो थोड़ा अलग तरीके से सोचती थी, अब जब भी वो उसकी दुकान के सामने से जाया करती थी ना तो हमेशा अपना छाता बंद कर लिया करती थी, और जब दुकान से आगे निकल जाती थी ना तब वो छाता खोल लिया करती थी। अब ना एक बार की बात होती है, अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, उसके पास ना बिन्या के पास 10 पैसे होते हैं, वो क्या करती है ना शॉप में घुसती है, और शॉप में घुसने के बाद ना जो बूढ़ा राम भरोसे होता है ना उससे कहती है कि मुझे टॉफ़ी दे दो। अब जो राम भरोसे होता है ना
वो पिछले 2 हफ्तों में ये बिन्या उसकी पहली कस्टमर थी। वो क्या करता है ना, पहले तो देखता है उसको, आश्चर्यचकित होकर कि ये आ गई मेरे पास, ये आई है मेरे पास। अब राम भरोसे को ये लगता है ना, ये मुझसे टॉन्ट मारने तो नहीं आई है या कहीं अपना अम्ब्रैला मुझे दिखाने आई है। वो क्या करती है ना, बिन्या जो कॉइन लेके आई होती है, सिक्का, वो काउंटर पे रख देती है। और जो कॉइन होता है ना, सिक्का होता है, वो थोड़ा पुराना होता है। जो राम भरोसे होता है ना, उसको उठाता है, उसको सूरज की रोशनी में देखता है कि मतलब सिक्का ठीक है या नहीं, नकली वकली तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। अब जब देखता है ना, तो देखता है कि नहीं, सिक्का तो ठीक है। अब वो क्या करता है ना, बिन्या को टॉफ़ी दे देता है। अब जो बिन्या होती है ना, वो दुकान से वहाँ से निकल जाती है। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो देखता है जो छाता है ना, वो क्लोज पड़ा है और काउंटर पे रखा हुआ है। अब ना ये पूरा मौका होता है राम भरोसे के पास कि वो उसका नीला वाला छाता चुरा ले। वो हमेशा से चाहता था कि उसके पास छाता है, अब वो मौका आ गया है। क्योंकि अगर वो दुकान से छाता छुपा भी देगा ना, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और ना ही कोई बिन्या की बात का विश्वास करेगा कि वो राम भरोसे की दुकान पर अपना छाता छोड़ के गई थी। अब वो सोचता है ना कि मैं करूँ क्या, करूँ क्या, छाता उसके पास है, उसके पास मौका भी है। वो क्या करता है ना, वो छाता खोलता है, उसके नीचे खड़ा हो जाता है और ना कोई सन नहीं होती, कोई बरसात नहीं होती। वो देखता है कि ये छाता है। अब जो राम भरोसा होता है ना, वो सोचता है, अपने आप से कहता है, लेकिन मैं कभी भी बरसात में नहीं जाता, मैं कभी भी धूप में नहीं जाता, ये छाता मेरे किस काम का है। और वो क्या करता है ना, फटाफट दुकान से बाहर निकलता है और बिन्या जो जा रही होती है ना, उसके पास जाता है, चिल्लाता है कस के, बिन्या बिन्या तुम अपना छाता यहीं पर भूल गई। अब वो ना भाग नहीं रहा होता क्योंकि वो बूढ़ा होता, लेकिन हल्के हल्के ना उसके पास तक पहुंच जाता है और उसके पास जाकर कहता था कि बिन्या तुम ना अपना छाता दुकान में ही भूल गई। और ये जो टाइम था ना, ये दोनों को बिलोंग करता है। अब जब राम भरोसे उसको छाता दे रहा होता है ना, जो बिन्या होती है वो छाते को वापस लेती नहीं है और ना वो अपना सर हिला के मना कर देती है। वो कहती है ना, ये छाता आप रख लो और मुझे ना अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो राम भरोसे होता है ना, वो कहता है नहीं, ये तो बहुत सुंदर छाता है यार, और ये तो सबसे अच्छा छाता है पूरे गाँव में। जो बिन्या होती है ना, वो कहती है मुझे पता है, लेकिन ये मेरा ये छाता ही ना मेरे लिए सब कुछ नहीं है। अब वो क्या कहती है ना, वो ये कह के ना वो वहाँ से निकल जाती है। और जो राम भरोसे होता है ना, वो छाता उसके हाथ में होता है और वो रोड पे खड़ा होता है। और इस बार ना बिन्या के सर के सीधे ऊपर आसमान होता है, कोई छाता बीच में नहीं होता। तो ये था चैप्टर नंबर 6 एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।